ग्रीन एरिया है, यहाँ पे आप जैसे एंटर होते हैं ना तो एक ठंड का, एक डबल ठंड का एहसास सामने आता है। मैंने एक इसकी एक्सेसरीज के साथ आता है एक अमाउंट सा, मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, वो उसके पीछे छुपा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे अचानक से वीडियो कैसे स्टार्ट हो गई और कोई इंट्रो नहीं, तो बेसिकली अभी की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं जस्ट गोप्रो की वीडियो जो है वो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी न्यूली मैंने लिया था तो थोड़ा सा उसको माउंट वगैरह किया और उसको टेस्ट करने के लिए कि कैसा रहता है व्यू, बिकॉज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो। और दूसरा ऑडियो का जो इसका सेटअप है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए मैं अभी PW रोड पे हूँ और बहरिया टाउन की तरफ जा रहा हूँ किसी काम से, तो मैंने सोचा चले अभी रात का टाइम है, उस तरह से व्लॉगिंग का तो बेस्ट टाइम आपका डे टाइम होता है, लेकिन ज़रा रात का अपना एक वाइब होता है व्लॉगिंग करने का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सेटअप कैसा है, तो आप सेटअप देखिए उसके बाद मिलते हैं आपसे। जी गाइस, तो ये सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सेटअप किया हुआ है। ये देखिए, इसका जो पहले मेरा पास था मोबाइल माउंट, उसी के आगे उस पर मैंने एक इसकी एक्सेसरीज के साथ आता है एक माउंट सा, मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, वो उसके पीछे छुपा हुआ है कुछ ऐसे, ये देखें, ये जिसमें आपका ये नट लगा हुआ है, पेच लगा हुआ है गोप्रो का, तो इसको मैंने ना डक्ट टेप से ही ज़बरदस्त तरीके से जो फंसा दिया और इसको फिक्स कर दिया है। तो अभी मैंने माउंट लेना था लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था और माउंट के लिए ना कोई इसकी एक्सेसरीज वगैरह ढूंढना पड़ रही है, तो मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे लगा दिया। देखिए मैं अभी इसको राइड करके आया हूँ, तो ज़बरदस्त किस्म का इस पर सिस्टम है अभी, और यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं, तो प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और यहाँ से हम इसको दोबारा बंद करके रिकॉर्डिंग, यानी ये तो बहुत ईजी है रिकॉर्डिंग करना, ऑफ करना। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ऑडियो का मैंने क्या सिस्टम किया हुआ है, अब गोप्रो को आपको पता है कि गोप्रो जो है वो अपनी अलग से ऑडियो अडाप्टर जो है वो देता है, और उसके बगैर वो किसी और ऑडियो अडाप्टर को सपोर्ट नहीं करता ये गोप्रो जो है, यानी कि अगर आपको इसके साथ ऑडियो भी डायरेक्ट रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपको एक अडाप्टर मिलेगा और वो गोप्रो का ही होगा, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक मैं तो हैरान हो गया था भाई कि इतने से बेहतर है कि बंदा अपनी ऑडियो ख़ुद से रिकॉर्ड कर ले, 15,000 का पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है जी, वो इतना सा अडाप्टर होता है, ठीक है, उसके बीच में एक इतना सा स्टेशन इस तरह से होता है, लाइक ऐसे है ना, एक तरफ आपकी सी टाइप केबल है और एक तरफ आपका ऑडियो जैक होता है यहाँ पे, तो बस इतना सा अडाप्टर है जो कि 15,000 रुपये का, तो ये बेवकूफ़ी थी, मैंने कहा नहीं लेना अभी फ़िलहाल, तो कितना बजट भी नहीं है अपने पास। तो ये मैंने क्या किया कि मैं अब आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ अपने फ़ोन से, और दो जब इसको एडिटिंग करूँगा तो उसको सिंक्रोनाइज़ कर लूँगा दोनों को इकट्ठा। तो ये मैंने एप्पल की हैंड फ्री डाली हुई है इसमें, और ये मैंने अपने फ़ोन के साथ अटैच कर ली थी, और यहाँ पे मेरा जो है जी माइक साहब यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो ये माइक है जी मेरा सेटअप है, और यहाँ से इजीली और बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल है, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है 15,000 का अलग से अडाप्टर, फ़िलहाल तो मैं ले रहा, लेकिन लेटर ऑन अब इंशाल्लाह जब सेटअप मज़ीद बेहतर करेंगे तो मैं ले लूँगा। तो ये था जी सेटअप, बाकी आप देखिएगा राइट जी गाइस। तो मैं बैरियर टाउन में एंटर हो चुका हूँ और अब रश भी साथ में ही जो है वो ख़त्म हो गया है, बिकॉज़ यहाँ पे रश वश जो अब बहुत कम होता है, बड़ा पुरसकून एरिया है जी, और राइडिंग के लिहाज से भी अच्छा है और ग्रीन एरिया है, यहाँ पे आप जैसे एंटर होते हैं ना तो एक ठंड का, एक डबल ठंड का एहसास सामने आता है, तो आई होप कि रात का जो एक व्यू है वो ठीक आ रहा होगा, बिकॉज नाइट टाइम में मैंने ऐसे व्लॉगिंग कभी की नहीं है। मोबाइल से मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी, मोबाइल का एप्पल का रिज़ल्ट तो अच्छा है रात के टाइम आता है, बट गोप्रो का कैसे आता है अभी मैं भी देखूँगा, आप भी देख रहे होंगे, तो आई होप कि अच्छा ही होगा। बेसिकली बस ये एक टेस्टिंग राइड समझ लें थी,
तो अभी मैंने वाइज़र बंद किया है, ठंड भी लग रही थी और हवा भी शायद आ रही थी, तो डिस्टॉर्शन में भी इस वजह से आती है। तो जी ये बैरियर का फेज़ 4 का एरिया है जी। अभी मैं सिविक सेंटर जा रहा हूँ, जिन लोगों को इस्लामाबाद जो रहते हैं उनको तो आइडिया होगा और बैरिया के लोगों को भी। बाकी सिविक सेंटर तो खैर अब हर सोसाइटी का अलग से उससे बन गया, लेकिन यहाँ का सिविक सेंटर जो है वो ओल्ड है, ज़ाहिर है पुराना ये एरिया बना हुआ है। तो ये रोड जो है जी ये बड़ी ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी रोड है, बड़ी सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगती है कि यहाँ पे जो क्लिनलीनेस है ना बहुत अच्छी है, सफाई का निज़ाम अच्छा है, सिक्योरिटी का अच्छा है और मेंटेनेंस बहुत अच्छी है सोसाइटी की। और अब ये देखें एक भाई साहब बहुत अच्छा एक इन्होंने एक जस्ट शो किया कि रास्ते में कोई कप पड़ा हुआ था वो उठा गया उन्होंने, मे बी आई होप कि उन्होंने डस्टबिन में डालने के लिए उठाया हो, एंड ही वॉज़ नॉट लुकिंग लाइक स्टाफ मेम्बर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ से मुझे अब राइट साइड पे जाना है, तो उसके बाद हम ये सिविक सेंटर में ऑफिशियली आ चुके हैं। तो ठीक है जी, उम्मीद अभी आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई थी जस्ट फॉर कि भी एक वीडियो आ जाए, काफ़ी दिनों से मैंने कोई राइडिंग वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलें आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, इसका एक रिव्यू भी हो जाएगा कि व्हाट इज़ द रिज़ल्ट विद GoPro। और वो तो अच्छा ही होगा, लेकिन एक ज़रा एक टेस्टिंग हो जाती है, इंशाल्लाह जल्द जो है वो एक अच्छी डेस्टिनेशन पे हम जाएंगे और आगे अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। बट आपकी सपोर्ट चाहिए, तो होपफुली आप हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।